देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउ रहिमा। बुखारी व मुस्लिम। रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। दलित बंधु एक स्कीम नहीं एक तहरीक है, चीफ मिनिस्टर केसीआर। हैदराबाद में मंशियात की तैयारी का रैकेट बेनकाब। अगले 3 दिन तक रियासत में बारिश का इम्कान। रियासती वजीर आला केसीआर ने आज हुजूरनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने दलित बंधु स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर मुनाकिदा एक आवामी जलसे आम में शिरकत की। जलसे गाह के शहनशीन पर जाने से पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बाबा साहब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई। इस जलसे आम से मुखातिब करते हुए केसीआर ने कहा कि आज रियासती हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए रायतू बंधु स्कीम को मुतारफ किया गया और आज हम देख रहे हैं कि इसके कितने बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दलित बंधु एक स्कीम नहीं बल्कि एक तहरीक है। जी हाँ, ये तहरीक है कि दलितों को माशी पसमानदगी से बाहर निकालने की, और रियासती हुकूमत हर हाल में सारी रियासत में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तहरीक तेलंगाना का आगाज़ किया था तो कई लोगों ने कई बातें कही थी, मजाक उड़ाया गया, लेकिन आवाम ने देखा कि हमने तेलंगाना हासिल किया। इसी तरह अब दलित बंधु के जरिए पसमानदा दलित तबकात की माशी पसमानदगी का खात्मा किया जाएगा। मी जिल्लालो मी अनुभवंलो अमल जरुगुतुन्न कार्यक्रमालनु नेनु चेप्ता उन्नानु। ई रोजु ई दलित बंधु నేను మొన్న 15 రోజుల నాడు ఒక మిత్రునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నా, తెలంగాణ ఉద్యమానికి పోయినాడు అదే మిత్రునితో మాట్లాడాను. మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడు అన్నాడు అతను, నీకు ఇద్దరు పిల్లలు, ఇద్దరికిద్దరు అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయినరు, ఇప్పుడు తెలంగాణ పంచాయతీ ఏం పెట్టుకుంటావు నువ్వు, ఎన్ని తిడతారో, ఎన్ని బదనాములు పెడతారో, ఎన్ని బాధలు పెడతారో, ప్రశాంతంగా ఉండవలసిన జీవితంలో అగ్గి రాజేసుకుంటున్నావు అని చెప్పాడు ఆ మిత్రుడు. నేను ఒకటే మాట అడిగినా, తెలంగాణ వస్తే ఎట్లా ఉంటుందని అడిగినా, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పింది. ఇక నీకు దండం పెడతా, నువ్వు గంతకే ఉండు, లేనిపోని భయాలు పెట్టకు అని చెప్పిన. మళ్ళీ అదే మిత్రుడు మన దళిత ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర ప్రముఖ నాయకులతోని నేను వర్క్షాప్ పెట్టిన వార్త పేపర్లో చూసి ఒకటే మాట అన్నాడు నవ్వుకుంటా, కేసీఆర్ నీకు తిన్నదరగదారా, ఉన్నకాడ ఉండవు, మళ్ళీ దుకాణం మొదలు పెట్టినావు అన్నాడు. నేను చెప్పిన మొట్టమొదలు పెట్టిన దుకాణం బాగుందా అంటే బాగుందన్నాడు. ఇలా ఈ దుకాణం ఇంకా అంతకంటే ఎన్నో రెట్లు బాగుంటుంది, ఒక 4 ఏళ్లలో భారతదేశానికే కాదు మొత్తం ప్రపంచానికే ఒక మార్గం చూపెడుతుంది, 4 ఏళ్ళు నేను బతకానని మొక్కు నువ్వు కూడా బతికి ఉండరా అని చెప్పిన. చాలా సంతోషం అని మాట్లాడింది. నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తాను,
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैदराबाद और बेंगलुरु की जानिब से आज एक बावसुख इतला पर बालानगर में खांगी लैब पर धावा करते हुए भारी मकदार में मंशियात को जब्त कर लिया। इस मौके पर 3 किलो से जायद अल्फरो जोनल नामी नशीली दवा और 12,50,000 नकद और 2 कारों को जब्त किया गया। इसके अलावा इस लैब में मंशियात की तैयारी में मसरूफ 5 अफराद बशमूल इनके सरगना सुधाकर को भी गिरफ्तार किया गया। वनस्थलीपुरम में हाल ही में मेनहोल की सफाई के दौरान अपनी जाने गंवाने वाले 2 मुलाजिमीन के लवाहिकीन को डबल बेडरूम मकाना देने का रियासती वजीर के तारक रामाराव ने ऐलान किया था। आज GHMC मैनेजर विजय लक्ष्मी ने मुतासरीन के लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। हाल ही में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के दौरान पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल से कूदकर जख्मी होने वाले सालम की अहलिया और बच्चों ने आज हुकूमत से पुलिस के रवैये के खिलाफ हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इनके शौहर मेहनत मजदूरी के जरिए इनकी देखभाल किया करते हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। अब सालम दवाखाने में जेर इलाज हैं। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। बोलिए। रात में गए थे जुबैर लेके 2 बजे रात में, पुलिस वाला पूरा सामान मान के पूरा तहस नहस कर दिए, कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वाला के बोला भी मैं कि मेरे घर में कुछ भी नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं है, मेरा शहर बंडी का काम करते, बाल बच्चा को पालते, आया सामान मान फेंक के चले गए। मैं पूछे पुलिस वाला फेंके सामान, मैं पूछी भी काय को लेके जा रहे जी, नहीं बोले कुछ भी, सीधे पौधी धोरे और लेके चले गए, हाथ धो के उतार दिए नीचे। पुलिस वाला घर में घुस गया? हाँ, मेरे घर में घुसा था पुलिस वाला। कितने लोग थे पुलिस वाले? 2 थे। 2 जने थे? हाँ, एक जुबैर थे, जुबैर भी थे। जुबैर? हाँ। ये जुबैर कौन है? जुबैर उसका भाई है, जाबिद का। हाँ। आपके शौहर का नाम क्या है? मेरे शौहर का नाम है अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। हाँ। क्या हुआ, क्या मामला था? कुछ भी नहीं हुआ। पीएस को लाने के बाद में क्या हुआ? पीएस में आई, ठहर ठहर के खड़ी होकर ठहर ठहर के बैठी बैठी चले गए, नहीं मिलने दिए पुलिस वाला मेरे शौहर से। आज आपके शौहर ऊपर सेकंड फ्लोर के कूदे उनके मालूम? क्या मालूम, फेंक दिया ऊपर से कि क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं। मेरे को अभी मालूम हुआ तो मैं आई यहाँ पर। क्या हुआ आपके शौहर का, कहाँ पर है आपके शौहर? क्या मेरा शौहर बंडी चलाते। अभी कहाँ पर है उन्हों? यहाँ पर कहाँ पे है, उस्मानिया में भर्ती करे ना उसको। हाँ, अब क्या करते, मैं छोटे छोटे बच्चे को कहाँ से खिलाते, क्या करते, जुगाड़ देते हैं तेरे को ला के, ऐसे बच्चे सबको कहाँ से खिलाऊंगी मैं। मेरे शौहर को ऐसा काम नहीं करते, मेरे शौहर को फंसाया गया, जुगाड़ फंसा दिया। उससे पहले जुगाड़ बात किया, बात करने के बाद फिर आल पुलिस के भेजा, लेके आया ऊपर, तब लेके गया मेरे पुलिस मेरे शौहर को उठा के। मेरा सर भूख के रह जाता, गरीब को खिला देते, अपने जेब में पैसा नहीं रखते, गरीब को दे देते पैसा, अपने घर में बाल बच्चा को नहीं खिलाते लेकिन दूसरे को खिला देते, उन्हें ऐसा काम करते हैं। मेरे सर को फंसाया गया, अब देखो छत पर से गिरा दिए कि क्या करें मेरे सर को, उस बनिया में भर्ती कराना। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ जेवा बाग आसिफ नगर जेवा बाग मिलन टाकी से ना कमेटी हॉल उसके पास रहती हूँ। क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या अभी आप? अभी क्या चाह रहे हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ। कल शाम से तेलंगाना भर में मौसम में खुशगवार तब्दीली देखी जा रही है। महकुमा मौसमियात के एक अहदेदार नागरत्ना ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में उड़ीसा और उत्तराखंड में हवा के दबाव में इजाफे की वजह से आने वाले 3 दिन तक तेलंगाना में मौसम का यही हाल रहेगा और कभी हल्की कभी मूसलाधार बारिश होने के इम्कान हैं।
और निजामाबाद और आदिलाबाद अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। उपरतल आवर्तन प्रस्तुत 3.8 किलोमीटर नीचे 7.6 किलोमीटर कोनसागुतुंदी। इदी प्रस्तुत मन की पश्चिम मध्य बंगाळाखातम वायु बंगाळाखातम तीर प्रांतालैनटुवंटि ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश మధ్యన కేంద్రీకృతమయ్యింది। రాబోయే 24 గంటల్లో దీని అనుబంధంగా ఒక అల్పపీడనం అనేది ఈ ప్రదేశాల్లో కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి। దీని అనుబంధంగా చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క ప్రభావం వల్ల రానున్న 2-3 రోజుల వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు చాలా చోట్ల ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి। వీటితో పాటుగా కూడా హెచ్చరికలు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కొన్ని చోట్ల ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి। అట్లాగే చూసుకుంటే గనుక ఈ రోజు రేపు 16 17 తారీఖుల్లో తెలంగాణలోని ఈశాన్య జిల్లాలు ఉత్తర జిల్లాలు అలాగే ఈశాన్య జిల్లాలు ఉత్తర జిల్లాలు ఆనుకొని ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ జిల్లాల్లో కూడా ఈ రోజు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతో పాటుగా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు ఒకటి రెండు చోట్ల నమోదయ్య అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి। అట్లాగే 18వ తారీఖును కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఈ వర్షపాతం కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండి ఉత్తర జిల్లాలైనటువంటి ఆదిలాబాద్ కుమరంభీం నిర్మల్ నిజామాబాద్ రాజన్న సిరిసిల్ల ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి। नरेडमेट पुलिस स्टेशन पर मुकामी एमएलए मायनमपल्ली हनुमंतराव के हवारी टीआरएस कारकुनों ने पथराव करने का वाकया पेश आया। पुलिस स्टेशन में मौजूद बीजेपी कॉरपोरेट सुनीता शेखर राव की कार पर भी हमला करते हुए कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ देर के लिए हालात कशीदा देखे गए। सूर्यापेट मुस्तखर में अंबेडकर के मुजस्मे को एक याददाश्त देने के लिए पहुंचे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी कन्वेनर पालवाई नागेश पर हमला किया गया, जिस पर पालवाई नागेश की क्यादत में तलबा की बड़ी तादाद ने वहीं एहतजाज शुरू कर दिया और हमलावरों को तुंगातुर्ती एमएलए गादरी किशोर के हामी बताते हुए एमएलए को फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। कुमरंभीम आसिफाबाद जिले में 15 अगस्त को एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। वानकेडी मंडल के कोरेडी मौजे में ग्राम पंचायत दफ्तर पर रस्म परचम कुशाई के दौरान कौमी परचम की अहानत की गई। दफ्तर पर जब तिरंगा लहराया गया तो वो उल्टा था। वहां मौजूद एक ओहदेदार ने फौरी इसको देखकर झंडे को नीचे उतारा और दोबारा झंडे को सीधा कर दिया। यह खबर सारे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं।
नाजर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाजर आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। एमएस टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9995902378 9995902378 9581528002 9493854625। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड असली घी, मेवा जात बादाम काजू पिस्ता और असली खोए से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9982610079441555 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट। आपके मुंतजिर कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में एमएस एकेडमी पेश करते हैं एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉरपोरेट दर्जे की तालीम। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, एमएस कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन आईआईटी के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की एक तहाई नशिस्तों पर एमएस कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। एमएस कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, इंतहाई रियायती फीस पर कॉरपोरेट तर्ज तालीम। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। एमएस गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अखब मदरसा सिराजुल उलूम वक्फ कॉम्प्लेक्स महबूब नगर।